guys, welcome back to my channel. My name is Dia. So this video is going to be my updated morning routine as a CBSE 10th grader. So let's just get right into the video. Hi guys, I just woke up a while back and I'm here. और मुझे जाने, oh my god guys, मैंने क्रीम लगाई थी रात को, मेडिसिन नहीं basically. तो just going to be seeing कि कितना क्या फर्क हुआ है रात से. एंड आई एम गोइंग टू फटाफट चल गो टेक अ शावर क्योंकि उसके बाद में मुझे नीचे जाना है मंदिर. एंड आज मम्मा को भी साथ में लेके जाऊंगी. मम्मा भी आ रही है, माही भी, मैं भी. सो वी गोना गो टू द मंदिर. तो मंदिर जाऊंगी. ओके गाइस, हियर आई एम आफ्टर टेकिंग अ शावर. उठते के साथ ही मैं नहाई बिकॉज मुझे मंदिर जाना था. और नहाने के बाद में आई ब्रश्ड माय टीथ. मैं वैसे तो हमेशा नहाने से पहले ही टीथ ब्रश करती हूँ, लेकिन मेरा ब्रश दूसरे वॉशरूम में रखा था और मैं नहाने ऑलरेडी जा चुकी थी. सो व्हाट आई डिड वाज आई ब्रश्ड माय टीथ आफ्टर टेकिंग अ शावर. डियर रिचुअल तो बन ही चुका है, हमेशा ब्रश करते टाइम डांस तो करना ही है. ओके, तो अब मैं लगा रही हूँ अपनी ये वाली लिप बाम. काफ़ी अच्छी है ये, मेरी न्यू लिप बाम मैंने अभी अभी रिसेंटली ली है ये, आई लव इट. एंड उसके बाद में मैं जा रही हूँ नीचे. एंड आई वेंट टू द मंदिर. ओए गाइस, तो मौसम काफ़ी अच्छा था एंड मैं मम्मा के साथ गई, माई के साथ गई और मौसम वॉज वेरी वेरी गुड. द वेदर वॉज वेरी नाइस क्योंकि एक दिन पहले ही बारिश हुई थी, काफ़ी हल्की हल्की सी, तो मौसम अच्छा था. थोड़ी सी धूप निकल रही थी बट यार वो तो कपड़े सुखाने के लिए चाहिए ना थोड़ी सी धूप. सो येस, इट वॉज अ वेरी वेरी नाइस वेदर. तो उसके बाद हम मंदिर गए. एंड गाइस, मैं आप लोग के साथ एक और चीज़ शेयर करती हूँ. जैसे आज मेरी छुट्टी थी स्कूल में, बिकॉज आज स्कूल में कोई मीटिंग थी कुछ था. सो वी गॉट अ हॉलीडे, वी गॉट अ डे ऑफ. तो यहाँ पे हम तीनों हैं एंड प्रसाद लेके जा रहे हैं. हम इस क्लिप में यही बोल रहे हैं कि हम प्रसाद लेके जा रहे हैं. सो येस, और उसके बाद में अब मैंने बनाई घर पे आने के बाद अपनी वाई वाई. नाउ ये वाई वाई है, मैं हमेशा लाइक ऐसी, मैं नूडल्स वैसे तो गाइस आप लोगों को लगता है बहुत ज़्यादा खाती हूँ, नहीं नहीं मैं बहुत ज़्यादा हेल्दी खाती हूँ. कभी कभी खाती हूँ जब तब मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ. सो टुडे आई हैड वाई वाई एंड दोपहर में मम्मा ने बनाई थी खिचड़ी. तो ये तो वैसे मॉर्निंग रूटीन ही था, तो खिचड़ी इसलिए खाई बिकॉज आई लव खिचड़ी, इट्स माई फेवरेट. तो बस उसके बाद में मैंने क्या किया, मैंने अपना, मैं सीधा डायरेक्ट पढ़ने बैठ गई. सो आई डिड बायोलॉजी. बायोलॉजी में मैंने चैप्टर अपना स्टार्ट किया, हाउ टू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस. स्टार्ट किया मतलब रिवाइज करना स्टार्ट किया, बिकॉज आप लोगों को भी पता है कि मेरा ये वाला चैप्टर कंप्लीट काफ़ी टाइम पहले ही हो गया था. तो ये वाले चैप्टर को अब बस मैं रिवाइज कर रही हूँ. मेरी रिविजन घर पर स्टार्ट हो चुकी है क्योंकि हाफ ईयरली एग्जाम्स आ रहे हैं और ये वाला चैप्टर मुझे काफ़ी लेंदी और काफ़ी बड़ा लगता है. इनफैक्ट ये चैप्टर है ही बड़ा. तो मैं क्या करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा ना मैं इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करूँ, बिकॉज जितना लेंदी के चैप्टर है, जितना बड़ा ये चैप्टर है, मैं चाहती हूँ मैं इस चैप्टर को ना अच्छे से कर लूँ, है ना. मतलब हर एक चीज़ मैं समझ के करूँ, हर एक चीज़ मुझे समझ में आए. तो मैं जैसे बड़े बड़े लेंदी लेंदी चैप्टर्स होते हैं उनको अच्छे से प्रिपेयर करती हूँ ताकि मुझे उनमें प्रॉब्लम ना आए, और छोटे छोटे चैप्टर को बस मैं डिटेल में अच्छे से समझ लेती हूँ. बाकी बड़े चैप्टर्स के लिए आई प्रिपेयर वेरी वेरी वेल. ये चैप्टर गाइस मैंने एनसीईआरटी में पूरा का पूरा रीड कर लिया है अच्छे से. एंड एनसीईआरटी में आपको चैप्टर्स मिलते हैं, लेकिन ये वाली जो रेफरेंस बुक है इसमें आपको ना बेसिकली टॉपिक्स के शॉर्ट करके आपको टॉपिक्स में समझाए जाते हैं. और गाइज, एनसीईआरटी इज सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट, ऑलवेज रिमेंबर दैट. क्योंकि एनसीईआरटी में से ना आपको कोई भी वर्ड पूछा जा सकता है. आप लोग मुझे बहुत पूछते हो कि इंग्लिश में आप कैसे प्रिपरेशन करते हो, तो मैं एनसीईआरटी पे सबसे ज़्यादा फोकस करती हूँ. और एनसीईआरटी पे फोकस करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एनसीईआरटी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार इसीलिए बोल रही हूँ ताकि आप लोगों के दिमाग में बैठ जाए कि एनसीईआरटी को कभी भी स्किप नहीं करना है. और आप पता है ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो टू लर्न थिंग्स इवन क्विकर, वॉट यू कैन डू इज़ कि आप अलग अलग हाईलाइटर्स के कलर्स लो, लाइक अलग अलग कलर के हाईलाइटर्स लो. एंड आप क्या कर सकते हो, आप अपनी एनसीईआरटी में जो भी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें लग रही हैं आप उनको हाईलाइट करो. एंड आप उनको पेंसिल से साइड में लिख सकते हो कि मोर इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यू नो, ऐसा करके आप लिख सकते हो कौन सा इंपॉर्टेंट है और कौन सा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो आप वैसे लिख सकते हो. ये चीज़ से ना क्या होगा कि आपको ना एक तरीके से आपको वो चीज़ याद रहेगी कि ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई थी और ये चीज़ मैंने मार्क करी थी और अब मुझे इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है. तो जो चीज़ में गाइज आप वीक हो, आपको लगता है कि शायद ये चीज़ मैं भूल सकती हूँ या ये चीज़ मैं भूल सकता हूँ, उस चीज़ को अच्छे से मार्क कर लो ताकि वो चीज़ आपको बोर्ड्स तक याद रहे, बोर्ड्स के बाद तक भी याद रहे. हमेशा गाइज इस तरीके से अपनी पढ़ाई को अट्रैक्टिव बनाओ और अपनी पढ़ाई को और ज़्यादा, यू नो, कैसे बताऊँ, अपनी पढ़ाई को ना बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग बनाओ, राइट. मैं हमेशा अपनी पढ़ाई को एक्साइटिंग बनाती हूँ. आई ऑलवेज आई एम वेरी ओपन टू लर्निंग न्यू थिंग्स. आई लव टू लर्न न्यू थिंग्स, इसीलिए आई, यू नो, आई
आई टॉक टू अ लॉट ऑफ पीपल, आई आस्क देम व्हाट दे डिड इन देयर वर्ड्स, व्हाट दे आर डूइंग. काफ़ी चीज़ें होती हैं गाइस, काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है. यू कैन इवन आस्क योर पेरेंट्स हाउ दे यूज टू स्टडी, यू कैन आस्क योर ग्रैंड पेरेंट्स व्हाट यू कैन डू. आप बहुत सारी अलग अलग जगहों से यू कैन कलेक्ट यू नो इन्फॉर्मेशन, यू कैन कलेक्ट नॉलेज एंड ऑलवेज बी ओपन टू लर्निंग न्यू थिंग्स. दैट्स वॉट आई बिलीव एंड दैट्स वॉट आई डू. सो हमेशा आप नई नई चीज़ें सीखते रहो एंड दैट्स वॉट आई डू, दैट्स वॉट आई लाइक टू डू. एंड ट्रस्ट मी गाइज, इस चीज़ ने ना मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है, बिकॉज आई एम ऑलवेज ओपन टू लर्निंग, राइट? सो दैट्स वॉट आई डू. और काफ़ी ज़्यादा मुझे अपनी पढ़ाई में तो काफ़ी हेल्प करता है, बिकॉज जहाँ भी मैं जाऊँ, जो भी मैं करूँ, आई कीप आस्किंग पीपल यू नो अबाउट देम सेल्व्स, अबाउट वॉट दे डू, लाइक नॉट ओनली इन स्टडिंग, वैसे भी नॉर्मली भी, कि क्या क्या वो करते हैं, क्या उन्हें करना पसंद है, वॉट आर देयर हॉबीज. तो मैं काफ़ी अलग अलग चीज़ों को सीखती हूँ एंड मैं काफ़ी नई नई चीज़ें सीख कर घर पर आती हूँ. तो इसी तरीके से गाइस आप किया करो, ऑलवेज बी ओपन टू लर्निंग न्यू थिंग्स. सो येस, दैट्स वट आई एम डूइंग, दैट्स वट आई डू. या तो अभी बस मैं अपना चैप्टर कर रही हूँ बायोलॉजी का, मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट कर दिया है और अब मैं पेंसिल की हेल्प से ना मैं रीडिंग कर रही हूँ, क्योंकि आप अच्छे से एक एक वर्ड रीड कर पाते हो पेंसिल वर्ड के नीचे रख रख के अगर आप रीड करते हो तो. सो बस मैं रीडिंग कर रही हूँ एंड उसके बाद में व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर. ठीक है, तो बस एक चीज़ ना हमेशा याद रखना, जब भी आप पानी पीते हो ना, ड्रिंकिंग वाटर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. स्पेशली ये होता है ना, कभी कभी हम पढ़ रहे होते हैं एंड हम पानी पीना भूल जाते हैं, या हमारे सामने बॉटल होती है बट स्टिल हम पानी पीना भूल जाते हैं. अपने फ़ोन में हमेशा गाइस रिमाइंडर लगा के रखो ड्रिंक वाटर का. देर आर अ लॉट ऑफ एप्स जो आपको याद दिला सकते हैं पानी पीने का, या फिर यू नो आपको आपके रिमाइंडर ऐप भी होता है फ़ोन में जो आपको याद दिला सकता है, और स्टिकी नोट्स. सो यस गाइस, दीज थिंग्स हेल्प अ लॉट. एंड अगर मैं अपने रूटीन के बारे में बात करूँ, स्टडी रूटीन के बारे में, तो टोटली डिपेंड्स ऑन मेरा कितना सिलेबस रहता है, कितना मेरा स्कूल का काम है, होमवर्क के असाइनमेंट्स हैं एंड दैट्स ऑल. या अगर कभी कुछ ज़्यादा काम होता है तो मैं ज़्यादा बैठ के पढ़ लेती हूँ, ज़्यादा अपना काम काम पर ज़्यादा फोकस कर लेती हूँ तो. और अगर कुछ कम होता है तो बस मैं अपनी सेल्फ स्टडी करके देन आई जस्ट गेट अवे. क्योंकि ऐसा नहीं होता ना कि आप पूरे टाइम ही बैठ के पढ़ रहे हो, बिकॉज इवन योर माइंड नीड्स रेस्ट एंड ऑलवेज रिमेंबर योर माइंड नीड्स रेस्ट, अदरवाइज आप फोकस नहीं कर पाओगे अच्छे से. तो ऑलवेज कीप गिविंग योर सेल्फ ब्रेक्स, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू बी स्टेइंग फ्रेश. एंड जब भी आप फिर पढ़ने बैठोगे आपका मन भी लगेगा पढ़ने में एंड यू विल फील इवन मोर बेटर एंड फ्रेश एंड गुड. तो येस, दैट्स वट आई डू, दैट्स वट आई लाइक टू डू एंड इन चीज़ों ने मेरी काफ़ी हेल्प करी है. Okay guys, so that is it for this video. I really hope you guys enjoyed watching this one and you guys got motivation to study plus to wake up early and study, kyunki early studying aap logo ko bahut zyada help karegi and in fact pata hai early studying ke na bahut sare benefits hain. तो येस, आई रियली होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी. इफ़ यू डिड, डोंट फॉरगेट टू लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. आई लव यू गाइज सो मच. एंड अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो, इफ़ यू गाइज आर वॉचिंग मी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, हाई गाइज, आई एम डिया एंड आई मेक स्टडी रिलेटेड कॉन्टेंट हियर ऑन माई चैनल एंड आई वुड रियली अप्रिशिएट इट इफ यू गाइज सब्सक्राइब टू माई चैनल.
एंड यस, मैं ऐसी रोज नई नई वीडियोज लेकर आती रहती हूँ अपनी रूटीन्स एंड अपने स्टडी व्लॉग्स. आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट.